कम लग रहा है साथियों। भारत माता की, आज 3 दिवसीय बहन पाठ महोत्सव के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठतम जनप्रतिनिधि, जिन्होंने छोटे उम्र में ही राजनीति की शुरुआत की, और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि निरंतर 8 बार, एक बार नहीं निरंतर 8 बार जीतकर सदन तक पहुँचने वाले आज हमारे बीच अनुभवी नेता उपस्थित हैं। आदरणीय बड़े भैया ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का मैं आप सभी को चाहूँगा कि जोरदार ताली बजाकर हम स्वार्थ का अभिनंदन करें। साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित महिला बाल विकास की मंत्री माननीय लक्ष्मी राजवाड़े जी उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और लुंडरा के विधायक माननीय प्रबोध मीन जी, अंबिकापुर के विधायक जिनको हसमुख विधायक के नाम से भी जाना जाता है, इनकी एक खासियत है कि ये कभी मायूस नहीं रहते। माननीय राजेश अग्रवाल जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभी भी हंस रहे हैं। यदि आपको कभी टेंशन होगा तो मैं बता दूं कि राजेश अग्रवाल जी से मिलेगा, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ उपस्थित मंच पर भारत सिंह सिसोदिया जी, आदरणीय बड़े भैया अनिल सिंह मेजर जी, अखिलेश सोनी जी, हमारे मैन पार्ट मंडल के मंडल अध्यक्ष रजनीश पांडे जी, सीतापुर के मंडल अध्यक्ष श्रवण दास जी, बतौली के मंडल अध्यक्ष रज्जू राम जी, और नवानगर के मंडल अध्यक्ष बालनाथ जी, और उपस्थित मंचासीन सभ्यस्त आदरणीय जन, और इस महोत्सव में उपस्थित दूर दूर से आए हुए समस्त कलाकार बंधुओं, और दूर दूर से आए विभिन्न गांव के हमारे भाइयों बहनों, और यहां उपस्थित मीडिया के पत्रकार साथियों, और साथ ही साथ यूट्यूबर्स भाइयों, और कार्यक्रम को 3 दिवस तक बहुत ही सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जो प्रशासन की पूरी टीम है, आप सभी का भी मैं धन्यवाद करूंगा, और साथ ही साथ सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस के अधिकारी और जवानों, आप सभी के इस प्रयास से, सहयोग से यह महोत्सव सुचारू रूप से आज ये 3रा दिन समापन की ओर है। और इस समापन के अवसर पर हमारे बीच आदरणीय बड़े भैया ब्रिजमोहन अग्रवाल जी उपस्थित हुए हैं, ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज पर्यटन और शिक्षा का जो दायित्व ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में है जिसे हम सभी को गर्व होना चाहिए। मैं परिचय में आप सभी को बताया कि सबसे लंबा अनुभव, और आज सदन में घोषणा इनके द्वारा जो की गई, इस बातों को मैं बड़ी गहराई से सुन रहा था, आज मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। आदरणीय बड़े भैया जी ने कहा कि हम शिक्षा तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों और युवा जनरेशन को हम संस्कार भी देंगे। तो सोचिए अब छत्तीसगढ़ में संस्कार की भी शिक्षा होगी। और भाइयों बहनों, पर्यटन जो कि आपको हम बताना चाहेंगे कि आदरणीय बड़े भैया के मार्गदर्शन पर अभी मैन पार्ट का एक सर्वे होगा जो विशेष टीम के द्वारा, और मैन पार्ट का देश और दुनिया में विकसित मॉडल के रूप में तैयार किया जाएगा, और आपकी अनुमति से इस मैन पार्ट को आने वाले समय में देश और दुनिया विख्यात रूप से पर्यटन के रूप में जानेगा, ऐसी हम आपकी प्रति अपेक्षा करते हैं। महोदय, एक छोटा सा परिचय है, मैं आज से 5 महीना पहले एक सैनिक के रूप में देश की सरहद में ड्यूटी किया करता था। हमने कभी नहीं सोचा कि राजनीति के इस रण क्षेत्र में कभी कूदना पड़ेगा, लेकिन यही सीतापुर की जनता है जिन्होंने कमल खिलाने के लिए एक सैनिक को हजारों पत्र लिखकर यहां बुलाया, और आज इन्हीं के आशीर्वाद से 73 साल बाद कमल यहां खिला है। तो सर्वप्रथम मैं सीतापुर की जनता का भी इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करूंगा, और आप यहां उपस्थित हुए, आप इतने व्यस्ततम समय के बाद भी समय निकाले, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ अंत में मंचासीन समस्त आदरणीय जनों का और प्रशासन का, जिसने सुव्यवस्थित करके इस कार्यक्रम को यहां तक लाया, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के अधिकारी और जवानों का, उपस्थित पत्रकार बंधुओं का, और समस्त नागरिक बंधुओं का, आप सबका मैं आभार व्यक्त करते हुए
बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय हिंद।